हेलो दोस्तों इस वीडियो में आईडी के हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स जो पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीटेटिव हुए हैं या फिर कुछ ऐसे सैंपल्स पेपर में इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इन्फोसिस दिया गया तो ये सारे टॉपिक्स में आपको डिस्कस नहीं करने वाला मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको एग्जाम के एक या दो दिन पहले अगर आपके पास तीन दिन का टाइम है तो ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको अच्छे से आपको एक बार रीड करना चाहिए कुछ ऐसे भी टॉपिक्स में आपको डिस्कस कर, करने वाला हूं आपके साथ जिनको एक बार वन टाइम भी रीड करोगे तो भी चल जाएगा ठीक है दोस्तों आई होप मैं इस बात पे ज्यादा इंफोसिस दूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आपका आईडी का पोर्शन एक बार एटलीस्ट रीड एक बार उसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तब आपको ये टॉपिक्स जल्दी क्लिक करेंगे नहीं तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस और रिसर्च करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों चालू करते हैं पहला चैप्टर आपको पता ही है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखो सीबीएसई के लिए इकोनॉमिक्स में से वैसे क्वेश्चन उठाना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था है जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेगमेंट या बहुत बड़ा ट्रांजिशन लाया है इंपोर्ट सब्सिट्यूशन बहुत बड़ा ट्रांजिशन लाया ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा ट्रांजिशन ऑपरेशन फ्लड रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया या बहुत बड़े चेंजेस लाए इंडियन इकोनॉमी में एज अ फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सारे, वो सारे टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे अब सबसे पहला देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ना आपको चैप्टर पूरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना चाहिए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के ऊपर किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ये क्यों सर

एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको तीन बातें तो मिस करनी ही नहीं है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहला है जमींदारी सिस्टम जिसमें तीन लोगों का रोल था जिसमें जमींदार ब्रिटिशर्स और फार्मर्स थे उसके बाद आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ना चाहिए फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको रीड करना फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और इसके बाद दो ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रहने चाहिए वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड और क्यों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैगनेट था अगर आपको ये पता होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका कंप्लीट हो जाता है एक टॉपिक है डिस्गाइज डिस्गजॉयमेंट वो आपको ग्रीन रेवल्यूशन के पहले एक बार आप रीड कर लेना उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड में आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ क्या होता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ आपको पता होगा कि 50 परसेंट तो रेस्ट्रिक्टेड था फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स 50 परसेंट श्रीलंका चाइना यहां पर जाता था तो वहां से जो सरप्लस आता था उसको उन लोग ड्रेन या यूज कर ले लेते अपने पॉइंट के लिए वॉर एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेटिव और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ये हो गया अपना फॉरेन ट्रेड ये कुछ तीन टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए पहली बात ये वीडियो अल्टरनेटिव नहीं है आपकी स्टडी का कि आप ये बस कर ले और आपके मार्क्स आ जाएंगे मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं मेरे छे साल के एक्सपीरियंस और जितने भी अभी तक मैंने एग्जाम्स देखी है उसके बेसिस पर कंक्लूजन ये निकलता है कि ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब वन टाइम रीडिंग किसको किसको करना है आपको डेमोग्राफिक कंडीशन को आपको वन टाइम रीड करना है डेमोग्राफिक कंडीशन में जो डेट्स है डेटा है जो अकर, जो हुए, जो अकर, अकरेंस हुए हैपनिंग हुई है वो सारी जैसे 1921 का सेकंड स्टेज ठीक है ओवरऑल लिटरेसी रेट फीमेल ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना है कि रेलवे क्यों बनाया गया ब्रिटिश ने क्यों बनाया उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अलग टॉपिक है क्यों बनाए अलग टॉपिक है रोड्स क्यों बनाए रेलवे पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक या टेलीग्राफ क्यों बनाया उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आपको ध्यान रखना है रेलवे का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था फेमाइन अफेक्टेड जो एरिया थे वो कंट्रोल होने लग गए हमारे पास मॉनिटरी सिस्टम आ गया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था फोर्ज कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर की वजह से लोगों के अंदर ये जो सबसिस्टेंट जो, फार्मिंग uh, का आउटलुक था ना वो चेंज होकर किधर चले गया कमर्शियल आउटलुक जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है मेरे हिसाब से आपको जल्दी से चैप्टर कर लेना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर सेक्टर के के अंदर अंदर आया आया था था आईपीआर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर विच लीड टू ग्रीन रेवल्यूशन एंड फॉरिन ट्रेड के अंदर आया था इंपोर्ट सब्सिड्यूशन लेकिन इस चैप्टर का सबसे मेजर सबसे मेजर टॉपिक है कॉमन गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान कॉमन गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान में आपको पता होनी है चार है मॉडर्नाइजेशन जीडीपी ग्रोथ सेल्फ सेल्फ रिलायंस और इक्विटी अब ध्यान दो सेल्फ रिलायंस के लिए ही हमने ग्रीन लाए इक्विटी के लिए हमने लैंड रिफॉर्म्स लाए मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने ग्रीन रेवल्यूशन के अंदर एच सीड फर्टिलाइजर और इरिगेशन फैसिलिटी लाई और जीडीपी ग्रोथ तभी हो पाएगा जब तीनों सेक्टर इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला कॉमन गोल्स प्लान में वो चार प्लान थे उनको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए जीडीपी ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस और लास्ट वाला था इक्विटी अब आगे चलते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर तीन रिफॉर्म्स है दोस्तों तीन रिफॉर्म्स है आपको पता नहीं होता लेकिन जब आप रीड करोगे अच्छे से तो तीन रिफॉर्म्स है सबसे पहला रिफॉर्मस है टेक्निकल रिफॉर्म्स उसको ही बोलते हैं ग्रीन रेवल्यूशन एक है लैंड रिफॉर्म्स उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और तीसरा है जनरल रिफॉर्म्स संदीप गर्ग में आपके पास इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दिया है जनरल रिफॉर्म्स वी के में दिया है ध्यान देना इस बात पर आगे चलते हैं आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए लैंड रिफॉर्म्स के बारे में टेक्निकल रिफॉर्म्स तो ग्रीन रेवल्यूशन आपको पता ही है ग्रीन 1960s 1970 1966 में पहली बार आया 1965 में उसकी थ्योरी निकल चुकी थी दो फेस में आए सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी टू ये सारी चीजें आपको पता है मेरा कहने का मतलब आपको थ्योरिकल पोर्शन पता होना चाहिए लेकिन सबसे जबरदस्त बात ग्रीन रेवल्यूशन में आती है कि कौन से स्टेट में क्यों ऐसा हुआ कि कुछ स्टेट अच्छा कर, रहे कुछ कर रहा था और कुछ स्टेट बुरा कर रहा था क्यों ऐसा हुआ कि दो फेस में आया उसके जो लिमिटेशन है ग्रीन रेवल्यूशन के वो एक बार देख लेना मेरे हिसाब से इस एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स वाले टॉपिक में सबसे मेजर टॉपिक जो आपको कवर करके जाना चाहिए वो लैंड रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दोनों नाम है

या फिर कई लोगों ने बोला कि नहीं ये बैन होना चाहिए बंद होना चाहिए तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब्सिडी क्या सही है सब्सिडी क्या अगेंस्ट में होना चाहिए ये क्वेश्चन एक बार वन टाइम रीड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने ही वाला है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का आईपीआर फर्स्ट आईपीआर बना था 1948 में दूसरा आईपीआर बना था 1956 में

और आता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो फॉरेन ट्रेड करके अंदर आया मेरे हिसाब से मेरे को फुल श्योरिटी है मुझे ऐसा लगता है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड ये जरूर एक क्वेश्चन मेरे को लगता है आने के चांसेस पूरे बैठते हैं आ, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के लिए आत्मनिर्भर भारत इंपोर्ट सब्सिट्यूशन में आपको ध्यान रखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ कोटास एंड किया गया और आपको याद होना चाहिए इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन के आपको याद एक बार रीड रखना है एडवांटेज को और डिसएडवांटेज को मेरे हिसाब से आप इतना अगर इन दोनों चैप्टर में कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट होगा पहले और सेकेंड चैप्टर में मिलते हैं एलपीजी वाले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो